बिना नाम जमीन में फंसे हुए हैं, कई लोग आबादी में फंसे हुए हैं, बावजूद इसके उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले। आप आओ बिहार को भी आ जाओ। अरे अपन जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलो नहीं। आओ अच्छा तू भी नाम बोलो और कैसे काम करो। नाम देवीलाल है, गाँव घोड़ा ग्राम पंचायत में रहता हूँ और हम पिछले पिछले बसे में पट्टा नहीं है और रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी ग्राम पंचायत में करवा जाता है कहाँ करते हैं पट्टा तो सत्तर घर ओड़ा पंचायत में और ओड़ा की बहुत विचित्र कहानी है। वहां से कोई सरपंच खड़ा होता है तो उसका मुद्दा होता है कि जो इन बंजारों को यहाँ से उठाएगा वो सरपंच जीतेगा। तो मतलब चुनावी घोषणा पत्र होता है एक तरह से कि जो जो सरपंच इन बंजारों को यहाँ से हटा देगा उसको गांव वाले वोट देंगे। तो ऐसे गांव और ऐसे लोगों की मानसिकता की जो है वो बिल्कुल निंदनीय है कि जो लोग बसे हुए उनको हटाना, रोज उनके वहां माथापोड़ी करना, रोज उनको नोटिस देना, रोज प्रताड़ित करना, उनको अलग अलग तरह से उलाना देना कि आप यहाँ से हट जाओ। लोग ऐसा नहीं है, 70 लोग है और लगभग 40 साल से वहां रह रहे, दारागा जमीन है। इतने दिन तो दारागा जमीन पर पट्टे नहीं बनते थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन अभी इस सरकार ने बहुत मांग करने के बाद इस सरकार ने एक अपनी एक नीति बनाई है दारागा नीति की, जो लोग सघन आबादी में बसे हुए हैं और 30 साल से पुराने घर यदि उनके उस दारागा जमीन पर है तो उनको हम पट्टा। आज ये जो बंजारा समाज के लोग हैं और भी के लोग हैं जो जमीन पर भी बस और बसों से हुए, आज उन लोगों की है और उन कलेक्टर साहब से जाकर करेंगे कि ये चारागा में बसे हुए हैं तो इनको आप पट्टे दो, लिख लेंगे कि कब दे सकते हो ताकि उनको एक आश्वासन मिले, वो प्रक्रिया शुरू हो। कई जो आवाज हुए राज्यवास से जो लोग आए करो राज्यवास वाले, अब ये लोग आबादी से हुए आबादी को पट्टे जाए लगा, सबको पट्टे मिले, सब कुछ हुआ, पट्टे मिले जो रसूख वाले लोग थे, जो एप्रोच लोग थे, जो गरीब है थे, वंचित थे, उनको वो पट्टे नहीं मिले। आप बैठे हो इतने लोग, आपको प्रशासन कैंप रहेगा उसे पट्टा मिला क्या? कितने लोग घरों के पट्टे नहीं, इतने लोगों के पास पट्टे हैं नहीं है, करो आप सोच जितने पट्टे के पास पट्टे और सरकार ने अभी कैंप लगाया है वो पट्टों के लेकिन नहीं। तो आज ये आपको आवेदन ये शिकायत आप